केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ है। भाजपा की सरकार में गठित नई कैबिनेट में घटक दलों की अनदेखी की गई है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल में एनडीए के घटक दलों को झुनझुना मंत्रालय मिला है, इससे पहले से ही आशंका थी। संजय सिंह ने एनडीए के घटक दलों के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले रहने का संकेत दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तथा कथित एनडीए सरकार के मंत्रालय की घोषणा हुई। तथा कथित इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इस सरकार को मोदी 0.3 सरकार कहा जा रहा है और इंडिया गठबंधन के दलों को जिस बात की आशंका थी वो पूरी तरह से सच साबित हुई। ये पूरा जो इंडिया घटक दलों एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुनझुना मंत्रालय मिला, झुनझुना मंत्रालय। और ये पहला संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। हमने पहले भी ऐसा देखा जब नवीन पटनायक जी के साथ थे, उनके साथ क्या बर्ताव किया। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली महाराष्ट्र में, उनकी पार्टी तोड़ दी। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, उत्तराखंड में गिराई, अरुणाचल में गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके बनाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई। तो पूरे देश में जोड़ तोड़ करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, सांसदों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने पार्टियों को तोड़ा है 10 साल में। और ये झुनझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा। क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।